आपको बताते हैं। बॉर्डर सामने आ गया है भाई साहब, ये देखो ये आ गया है इंडिया भूटान बॉर्डर। तो फिलहाल अंदर चलेंगे और क्या, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, करने तो दो एक मिनट, जनरल नहीं है यार एक मिनट। वो आ गए भैया रंगिया आसाम के, प्लेटफॉर्म पे आ चुके है भाई साहब, ये है रंगिया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग, सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और अभी हम आ चुके हैं नागालैंड से गुवाहाटी के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर, और सामने ये रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी का। कुछ इस तरह का मौसम है भाई, गर्मी तगड़ी है यहाँ पर, ठीक है। और फिलहाल अभी हम एक ट्रेन लोकल पकड़ने वाले हैं, जनरल टिकट लेकर हम जाने वाले हैं भूटान की यात्रा पर। तो फिलहाल यहाँ से अभी भूटान अगर देखा जाए तो वही लमसम 150 किलोमीटर है, ठीक है। एक रंगिया स्टेशन है गुवाहाटी से एक घंटे की दूरी पे, 1 घंटे 20 मिनट की। तो अभी फ़िलहाल वहाँ जाने वाले हैं, टिकट लेंगे एक जर्नल वाली, और वो ट्रेन अभी यहाँ से 6:20 पर निकलती है, बस हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ से फिर हमको देखो क्या मिलता है, गाड़ी वगैरह कैसा है, या लिफ्ट लेकर जाते हैं या पैदल जाते हैं, कैसा क्या सिस्टम है वो उधर ही जाकर पता चलेगा, क्योंकि हो सकता है उधर से गाड़ी वगैरह मिल जाए हमें। तो फ़िलहाल अभी मेन हमारा वो है कि टिकट लेते हैं, और टिकट लेने के बाद हम चलते हैं अंदर स्टेशन के अंदर। ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो 150 रुपये की है, हमने 1 घंटे के लिए 150 रुपये क्यों दिया जाए, जनरल में निकल चलते हैं, घंटे कौन से ज़्यादा होते हैं। लोकल ट्रेन पकड़ेंगे और पहुंच जाएंगे रंगिया। और जैसे नागालैंड था कि नागालैंड की सीरीज आप वीडियो देख रहे होंगे नागालैंड के, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। और किसी भी जानकारी के लिए आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को आप मेरे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टिकट टिकट ले ली फिलहाल, चलते हैं अंदर की ओर। बता रहे 2 नंबर पर खड़ी है गाड़ी, यहाँ पे तो मशीन में कोई डालने का सिस्टम नहीं है, ऐसे ही चल दो। 2 नंबर की जरूरत है, ऊपर दिखा रहा, ऊपर जाना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। आइए भाई चलते हैं 2 नंबर के लिए। अब वहाँ इतनी भीड़ लगी है कि पूछो नहीं, तो हमने फ़ोन से ही काट लिया, हमने क्या मतलब है उसके लिए लगो वहाँ पे लाइन पे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए तो ट्रेन निकल जाएगी, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो गया है जाने का, और वहीं जाएगी रंगून ले जाएगी, रंगिया ले जाएगी, उसको भाई भाई सब गर्मी तो यहाँ था तावड़ तोड़े, गर्मी तो पीछे नहीं छोड़ रही। खड़ी तो यार दो नंबर प्लेटफॉर्म, भाई ट्रेन तो मिल गई है, ट्रेन ये खड़ी सामने इस तरफ आप देखेंगे, ये जाती है बेंगलोर तक। तो फिलहाल आपने को जाना है एक स्टेशन ही जाना है, ठीक है, S3 में है अपना, जाते हैं S3 की तरफ। जनरल का यार बहुत बुरा हाल हो रखा है, इसलिए जनरल में हम नहीं जाना चाहेंगे भैया, उसमें इतना स्मेल कर रहा है, इतना बदबू कर रहा है कि उसमें इतनी ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि ये बेंगलोर तक जाती है तो लंबा रूट है, इसलिए पब्लिक यहाँ से इतनी खचाखच भर के जा रही है कि पूछो नहीं। इसलिए हम जाएंगे भैया स्लीपर में, 210 रुपये का टिकट है, हमने कोई नहीं, बस में भी जाते तो वही रेट पड़ता, इसलिए हम जाएंगे स्लीपर में आराम से। 1 घंटे का हो सकता है
एक घंटा 20 मिनट भी लग सकता है भाई, कभी कभी ऐसे ही होता है। इसलिए भाई ठीक, पता है जनरल में भी यहाँ पे टीटी घूम रहा भाई, टिकट काट रहा है। अगर जनरल में बगैर टिकट के गए ना तो उसमें भी फाइन पेल देगा। तो इसलिए हमने भाई चलो स्लीपर में चलते हैं आराम से। ये स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2, गाड़ी नंबर है 12 15 12 512 10। ये दिखा रहा भाई स्क्रीन शो कर, ठीक है तो चलते हैं भाई। पीछे लगा हुआ है S3 में, ऐसे पकड़ते हैं। AC वाले में खड़े हुए क्या मतलब, फाइन लगवा दे। अभी 6:20 पे चलेगी ये गाड़ी। हम सोच रहे हैं ना जितनी जल्दी उधर सुबह पहुंच जाएं तो उतना आराम रहे, गर्मी तो भाई है इधर, ठीक है। पता नहीं उधर बारिश हो या कुछ हो, कैसा कुछ पता नहीं है उस टाइम, ठीक है। तो बड़ी लंबी है यार ये तो, उस पर चलेगी। 15 नंबर तो इधर ही है, ये कोच है भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, अभी अंदर तो जाएंगे नहीं, अभी थोड़ा सा पानी यानी यहीं बैग रख के पी लेते। और फिलहाल ये कुल जर्नी होगी 1 घंटे 10 मिनट की, जिसके मैंने पे किए 210 रुपये। तो फिलहाल ठीक है यार, क्योंकि जनरल वाला का हाल बहुत बुरा हो रखा है, इसलिए जनरल में हम जाना नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी थके हुए हैं, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं। उधर से सुबह दीमापुर से निकले थे, ये नागा कोहिमा से निकले थे, और सुबह 7 बजे निकले थे पैदल फिर 9 बजे फिर वहाँ से लिफ्ट ली, इसके बाद फिर इधर आए। बहुत लंबा हो गया यार, वहाँ रुके कितनी देर, 4 घंटे स्टे किया वहाँ पर दीमापुर में। इसके बाद फिर ट्रेन पकड़ ली, रात को आई थी वो, हमने बनाया नहीं यार। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तबीयत मतलब गड़बड़ हो गई थी, मेरे को लग रहा था जब काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने दवा ववा खाई। तो उधर अंदर कोहिमा के अंदर ना मौसम है ठंडा, और इधर हम गए गर्मी से, जुकाम वुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था अचानक, तो इसकी वजह से। तो भाई यही है अपना कोच के सामने जो लगा हुआ है। मौसम ऐसे तो बढ़िया है यार, देखो ज़बरदस्त वाला है। तो फिलहाल बने रहिए इस वीडियो में, और फुल जानकारी आपको मिलेगी भूटान आपको गुवाहाटी से कैसे जाना है, ठीक है। पिछले बार गए थे हम न्यू बोगाई से, इस बार जाने वाले हैं गुवाहाटी से डायरेक्ट, ठीक है। बताएंगे पूरा डिटेल्स आपको देंगे जानकारी, ठीक है। भूटान के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, भूटान के बारे में, शादी के बारे में, भूटान की मार्केट, भूटान में काम कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे एक एक करके, ठीक है। 24 घंटे आप कैसे बिना वीज़ा के भूटान में घूम सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको प्रॉपर पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो भाई निकल चुकी गुवाहाटी से, बिल्कुल राइट टाइम निकली 6:20 पे। और ये भाई साहब ये है देखो, इधर सारे नशेड़ी रहते हैं यहाँ पर। अभी कामाख्या रुकेगी, तो अभी रुकेगी कामाख्या यहाँ पर। देखो झुग्गी बस्ती वाले कुछ लोग रह रहे हैं इस तरफ। हालांकि तो डर रहता है यहाँ पे, इतने ज़्यादा इसमें किए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि पूछो नहीं भाई साहब। ये सारे पहाड़ी लोग इधर रहते हैं सारे, ये देख लो, ये सब घर बना रखे हैं, देख लो बड़े बड़े घरों के सामने इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो डर लगता है, साला बैग रखा है वहाँ पर। चलो भाई अपनी सीट पर बैठते हैं फिलहाल, और बताते रहेंगे ऐसे ही जानकारी आपसे, 1 घंटे में क्या दिखाएंगे। मौसम देख लो भाई सब गजब का है, इधर आना पड़ेगा लग रहा किसी दिन। सब घर ही घर बने भाई, पटरी बिल्कुल सटा के बना रखे इन्होंने, ये देखो। भाई कामाख्या रेलवे स्टेशन आ गया है। आप नहीं रुके तो इधर ही चले जाओ अंदर ही, अंदर से कौन सा डिब्बा है जनरल में, तो जनरल के लिए पीछे जाना पड़ेगा। इस तरफ है जनरल, पीछे जहाँ पीछे चले जाओ, बिल्कुल गेट से सीधे चले जाओ अंदर ही अंदर। तो आ गए भैया रंगिया आसाम के, प्लेटफॉर्म पे आ चुके भाई साहब। ये है रंगिया,
भाई क्या सिस्टम है यहाँ पर। सब बेंगलोर जाने वाले खड़े हैं भाई, सब पूरे सब जनरल में जाएंगे। जनरल में जगह नहीं है पैर रखने का, तो स्लीपर की टिकट लेंगे नहीं। यहाँ पे तो हम आए यार, पिछले बार तो खड़े थे हम। गुड़ी आ गए भाई रंगिया, सामने से ही चलते हैं बाहर की ओर। रुक जा भाई, रुक जा उतरने तो दो एक मिनट, तो पहले देखते हैं यार मुंह धुलने के लिए। इस तरफ चलते हैं, स्टेशन छोटा सा है लेकिन यहाँ पे डोमेट्री वगैरह है तो दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर रुकने के लिए। आगे जाना बेकार है यार, आगे तो है नहीं। चलो इधर ही चलते हैं, टी शर्ट चेंज कर ली है, यही पहने रहे। चलो ऐसे ही चलते हैं बाहर, टी शर्ट कौन चेंज करेगा, बाद में फिर दिक्कत होगी। एक ही बात भाई, ये कुछ स्टेशन है बाहर का, देखते हैं भाई कैसा क्या। ओ भाई अभी ये बन रहा है स्टेशन, कुछ देखते हैं उधर चलते हैं। यहाँ पे तो रिक्शे वाले इधर उधर ले जाके छोड़ देंगे, हमें मेन उस रूट पर पहुँचना है जो भूटान के लिए जाता है। अभी बॉर्डर का भी नाम बताते हैं भाई थोड़ा सा, उसका भी भूटान का सिस्टम अलग है, लैंग्वेज अलग है। ये कुछ स्टेशन है भाई, बन रहा है अभी तो। आओ भाई देखते हैं थोड़ा सा गाड़ी आड़ी का सिस्टम, देखते हैं फिर बताते हैं। अभी बज गए 7:20 हो गए, टाइम पे उतारा है यार। अभी पता किया यार, स्टेशन से बाहर आ गए हाईवे पे, इस साइड में हाईवे है और हम इधर चल रहे हैं साइड में। ये कुछ रास्ता है भाई इधर, अभी तो 7:30 ही हुआ है, वहाँ हाईवे पे चल रहे हैं। देखते भाई कोई गाड़ी आड़ी मिलती क्या है, गर्मी बहुत है। ठीक है, हो सकता है सामने से बस मिल जाए मुझे, बस मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो फिर वही कर लेंगे, क्या बोलते हैं, किसी से लिफ्ट मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बस तो मिल ही जाए किसी न किसी से। देखते हैं लिफ्ट कोई बाइक वाले से मांगते हैं भाई। बस मिल गई फिलहाल भूटान बॉर्डर तक, और जहाँ पर उतारेगी गौरंगा मेला बाज़ार है एक जगह जो असम के बॉर्डर पे ही है, मतलब वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट पे है बॉर्डर इंडिया भूटान का। और ये कुछ बस है बड़ी, कुछ इस तरह की बस है, देखो भाई। तो फिलहाल अभी बज चुके हैं 8:10 हुआ है, 8:20 पे ये चलेगी ठीक है यार। जब भी मेरे को 3 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़ा तब जाके यहाँ से बस मिली। गर्मी बहुत है यार, ना आया नहीं ना तो उसकी वजह से और ज़्यादा हो रहा है, पसीने पे नहा लिया ठीक है। 60 रुपये ले रहा है, और ये लोकेशन मैं डाल दूँगा, अगर आप इधर से जाना चाहते हैं तो स्टेशन से पास ही है 3 किलोमीटर पे। और ये कुछ जगह बाहर की भाई हाईवे के पास है कुछ इस तरह, ठीक है। और आगे देखते हैं भाई क्या है, गर्मी बहुत है यार, आसाम में तो ज़बरदस्त गर्मी है, तगड़ी बात। लिया है कोल्ड ड्रिंक, अभी तक तो पानी पी रहे थे, हमने कहा थोड़ा पी ले, भूख भी लगी खाया भी नहीं, बस हमको लगता पूरी भर जाएगी यार ये हिसाब से पब्लिक बैठ रही है इसमें, क्योंकि मेन वो इंडिया शायद मेला वेला भी लगा है वहाँ पे, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। मेला लगा है सिर्फ कि नाम ही है वहाँ पे गौरंगा मेला बाजार। फिलहाल चलते हैं भाई ठीक है, अभी टाइम हो गया है 8:15:20 पे निकलेगी यहाँ से, देखते हैं स्टार्ट होती फिर उसके बाद बताते हैं क्या सिस्टम है ठीक है।
अभी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीने तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। रूम ले लेंगे और जाएंगे, थोड़ा अगल बगल का दिखाएंगे बॉर्डर वॉर्डर का।